वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो और मेरे भाई क्या हाल चाल है यार, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो होगा इंजीनियर्स के ऊपर, जिसमें हम आपको कुछ इंजीनियर्स के फनी फनी कारनामे दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफी मजेदार होगा, जिसको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली और आपके घर वाले भी सोचेंगे कि ये पागल हो गया क्या। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। तो देखो गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों में एक इंसान को क्या चाहिए, बस पंखे की हवा। एक टाइम पे उसको खाना ना मिले लेकिन पंखे की हवा जरूर मिलनी चाहिए। सोचो तुमने एक इंजीनियर से पंखा लगवाया और उसने ज्यादा दिमाग लगा के ये कर दिया, तो भैया पंखा होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं है, इसको चलाओगे कैसे। और यहाँ पर इस फोटो को ध्यान से देखिए, कुछ दिखा, अंदर का सारा राज बाहर दिख रहा है। तो भाई इसको लगाने का क्या फायदा, इससे अच्छा दरवाजा ही हटा देते। नहीं। इसमें इंजीनियर की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मिस्त्री की है जिसने इतना अच्छा काम किया। सोचो अगर तुम इसमें टट्टी करने गए तो आपके सारे राज बाहर आ जाएंगे। साला आदमी सही से टट्टी भी नहीं कर सकता, इंसान सुकून से टट्टी भी नहीं कर सकता। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। एक पहले का जमाना था जब आदमी सारे काम खुद करता था, और आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम मशीनों से हो रहा होता है, और इस मशीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि मशीन का पेट खराब हो गया, उसको दस्त आ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें तो सिर्फ इंसानों में होती थी, आजकल मशीनों में भी होने लगी। हट जा भाई आगे से, नहीं तो छिप जाएगा। सोचो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा और तुमने पैसे इकट्ठा करके घर बनवाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें कोई हैवी इंजीनियर मिल गया और तुमने सारा काम उसको सौंप दिया। जैसे कि इस बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग बनने से पहले ही चिटक रही है और अभी तो सारा काम बाकी है। सोचो उस मालिक के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो ये बनवा रहा है। यहाँ बिल्डिंग फटती जा रही है, वहाँ मकान मालिक की पैंट फटती जा रही है, कुल मिला के सब कुछ फटता ही जा रहा है। तो अगर भैया तुम भी घर बनवाने की सोच रहे हो तो कोई अच्छा सा मिस्त्री और इंजीनियर ढूंढना, नहीं तो घर बनने से पहले ही जमीन को चुम्मिया लेता हुआ नजर आएगा। और रुको, इस मिस्त्री के चेले से भी तो मिलो जो कि गुरुजी को लगातार टक्कर दे रहा है। यहाँ पर इन घरों को देखो, ये पिछले मिस्त्री के चेले ने बनाया हुआ है, और इन दोनों के कारनामों को देखकर लगता है कि इन दोनों को एक साथ में अवार्ड देना चाहिए, नहीं तो भैया दोनों नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे मैंने इतना अच्छा काम किया और किसी ने तारीफ भी नहीं की, वाह वाह मैं तो कर रहा हूँ। मैं घर बनवाऊंगा तो तुम्हें ही बुलाऊंगा, ये पार्ट काट देना। और हाँ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, जो वीडियोस बनाता है वही ये दर्द समझ सकता है। तो यार कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन एक गरीब की मदद हो जाएगी।